नमस्कार। हर घर पाठशाला समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश एवं शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी पहल जिससे विद्यालय बंद होने पर भी बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही है। अब बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ आपको इसी वेबसाइट पर एक नया इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से, जो है समग्र करियर ऑनलाइन। उसके लिए एक नया टैब भी ऐड कर दिया गया है। टैब पर क्लिक करते ही आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं और ये जो वीडियोस होंगी बच्चों के करियर से संबंधित। अब बच्चा अपने करियर में किस प्रकार से आगे बढ़े उसको लेकर के बच्चे के मन में जो शंकाएँ हैं, जो उनका समाधान इस टैब के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार व शनिवार को एक एक वीडियो, यानी कुल मिलाकर दो वीडियोस करियर के ऊपर बच्चों को देखने को मिलती हैं। दसवीं के बाद मैं क्या करूं, बारहवीं के बाद मैं कैसे आगे बढ़ूं, ये सभी सवालों के जवाब, करियर क्या है, उत्तम करियर क्या है, करियर विकास के चरण क्या है, स्वयं को समझना, लेकिन ये सब तभी संभव हो पाएगा जब बच्चे इसमें अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी टीम तक पहुंचाएंगे। प्रतिक्रियाएं पहुंचाने का अभी लॉकडाउन में एक ही माध्यम है और वो है वर्चुअल माध्यम। वर्चुअल माध्यम में यानी आपको ईमेल के माध्यम से आपको ये जो सामग्री है वो देखने के बाद अपनी शंकाएं हमारी टीम तक पहुंचानी है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि बच्चों के ईमेल्स तो आ रहे हैं लेकिन वो ब्लैंक हैं। जी हाँ, वो खाली ईमेल्स मिल रहे हैं, अतः बच्चों को ईमेल के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से शायद ये समस्या आ रही है। ये वीडियो ईमेल कैसे भेजें और कैसे अपनी शंकाओं और समस्याओं का समाधान हम इस नए टैब या नए इंटरवेंशन के माध्यम से पा सकते हैं उसके ऊपर आपको जानकारी देगी। आप इस ईमेल आईडी को देख रहे हैं, समग्र करियर hp@gmail.com। आपको करना क्या है, आपको सीधा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आना है। यहाँ से आपको ढूंढना है जीमेल का अपना आइकन। ये देखिए, इस तरीके से ये आइकन बना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें रेड कलर का जो ये नीचे सर्कल है बिल्कुल बॉटम में और एक पेंसिल का निशान बना है, ये कंपोज का आइकन है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास एक विजर्ड खुल जाएगा जिसमें आप अपना ईमेल कंपोज कर सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो मेल आईडी रहती है फ्रॉम में, वो रहती है आपकी अपनी स्वयं की मेल आईडी, जैसे मेरी मेल आईडी यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद जिसको आपने अपना भेजना है क्वेरी या जो भी ईमेल आपने भेजना है, जैसे अब आप मान लीजिए एक विद्यार्थी हैं, आपने ऊपर आपकी ईमेल आईडी आ गई है, तो टू में आप लिखेंगे समग्रा, SAMAGRA, समग्र करियर hp@gmail.com, ये आपने डाल दी। अब इसके बाद ये जो आपने डाल दी तो देखिए, इसके बाद आपने सब्जेक्ट आपके नीचे आ गया। सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, किस विषय के बारे में आपका ये ईमेल रहेगा। मान लीजिए आपका विषय ये है कि आपने बारहवीं में जो पढ़ाई की है वो किसी विशेष संकाय से की है और अब आगे आप करियर संबंधी जो मार्गदर्शन है वो चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे, या आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कैरियर मार्गदर्शन। ये आ गया आपका विषय। अब इसमें आपका मेन बॉडी, कंपोज ईमेल में आपने क्या लिखना है, मेन बॉडी पूरा का पूरा जो आप पूछना चाहते हैं, आपकी पूरी कहानी आप इसमें लिख सकते हैं कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस विद्यालय से हूँ और ये मेरी परिस्थिति है और मैं इस माध्यम से ये बनना चाहता हूँ, या मेरी रुचि किस में है, मेरी रुचि जो है वो विज्ञान में है तो क्या मैं एक वैज्ञानिक बन सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी जो क्वेरीज हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या वीडियो कोई आपने देखा उस वीडियो का जो आप नाम था टाइटल वो आप ऊपर लिख दें सब्जेक्ट में और नीचे उससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरी है वो आप लिख सकते हैं। अब अंत में जाते जाते दो बातें आपको मैं और बताऊँगा, CC और BCC। CC का अर्थ है कार्बन कॉपी। आपको मालूम होगा कि जब हम कई बार कुछ लिखते हैं तो कार्बन पेपर रखते हैं और नीचे हूबहू उसकी जो कॉपी है वो कार्बन के पेपर के नीचे रखे हुए पेपर पर उतर जाती है। ये भी कुछ इसी प्रकार से काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही आपका मेल दो व्यक्तियों तक पहुंच जाए सेम टू सेम, तो आप CC का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर आपने जिसको ईमेल भेजना है उसकी आईडी और नीचे उसकी जिसको आपने कार्बन कॉपी भेजनी है। इसके बाद BCC की बात करें तो इसका अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी आपने ईमेल कि कार्बन कॉपी तो भेजनी है लेकिन आप ये चाहते हैं कि जिसको आप भेज रहे हैं उसका ईमेल गोपनीय रहे, उसका किसी को पता ना चले, तो उसके लिए आप ब्लाइंड जो है वो कार्बन कॉपी इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए आपने इसमें हेलो टाइप कर दिया,
ये हेलो, लेकिन आपने हेलो नहीं भेजना, आपने यहाँ पर अपनी समस्या भेजनी है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में यहाँ बता रहा हूँ, हेलो आपने लिख दिया। अब इसके बाद आप मान लीजिए आपने अपनी कोई फ़ोटो या कोई आपने टाइप नहीं किया, आपने पेपर पे लिखा है, तो वो पेपर आप भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देखिए ऊपर ये जो बना है पिन जैसा आइकन, यहाँ से अटैच फाइल करके जो है वो आप देखिए आपके सामने, हाँ आपकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं या जो आपकी गैलरी है वो खुल जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने ये फ़ोटो भेजनी है, यहाँ पर आपने कुछ लिखा है, तो ये देखिए आपकी ये फ़ोटो भी यहाँ पर आ गई। इस प्रकार से आपने ये अटैच कर दिया, यहाँ आप फ़ोटो वीडियो कुछ भी अटैच कर सकते हैं। अब आप इसको यहाँ से सेंड करेंगे तो ये जो एरो का बटन है ये आप इसको क्लिक कर दें यहाँ से, और ये देखिए आपका जो ई मेल है वो कलम झपकते ही आगे सेंड हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना ईमेल भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपकी क्वेरीज जो हैं वो अच्छी तरह से हमारी टीम तक पहुंच पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।